लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बाकी है। बात राजस्थान की करें तो यहां पहले दो चरणों में ही चुनाव खत्म हो जाएगा। राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजस्थान की इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन्हीं 12 सीटों में भरतपुर भी शामिल है, जो कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह जिला है। बताया जाता है कि बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली को जीतने के लिए भजन लाल शर्मा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रामस्वरूप कोहली ने भी भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। अभी मुझे 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास करके मुझे लोकसभा का सदस्य के रूप में प्रत्याशी बनाया गया और मुझे विश्वास है कि मैं इस भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री भागीरथ भजन लाल शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भरतपुर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया। बता दें, कोहली समाज से आने वाले रामस्वरूप की इलाके में अच्छी पकड़ बताई जाती है। भरतपुर सीट से बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस ने संजना जाटव पर दांव खेला है। भरतपुर सीट एससी रिजर्व सीट है। फिलहाल इस सीट से सांसद बीजेपी से रंजीता कोहली हैं। बताते चलें कि भरतपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने सांसद रंजीता कोहली का टिकट काटकर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली पर भरोसा जताया है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बयाना लोकसभा सीट पर भगवा दल के उम्मीदवार रामस्वरूप कोहली के सामने कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। रामस्वरूप कोहली कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। रामस्वरूप कोहली को कुल 2,65,051 वोट मिले थे, तो दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह को कुल 2,05,427 वोट मिले थे। अब बीजेपी के लिए रामस्वरूप कोहली इस बार भरतपुर में जीत दर्ज करा पाते हैं या नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को हो जाएगा। लेकिन इस चुनावी टक्कर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें।